नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो मैं भोपाल में हूँ और आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कई बार बोला कि यह है एलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बस धीरे धीरे चलाइए ड्राइवर साहब। एलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक बहुत पुराना, बहुत अच्छा, शानदार हॉस्पिटल है। देखिए, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मेरे पास समय नहीं होता कि मैं रुक के ड्राइवर सिक्योरिटी की परमिशन लूँ, इसलिए मैं बाहर बाहर से बनाता हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा साइज़ का। देखिए, जे के हॉस्पिटल लिखा हुआ है सर, और धीरे चलाइए। जे के हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, बहुत तगड़ा शानदार हॉस्पिटल है और एक चलता हुआ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। एलन सिटी भोपाल में ही पड़ता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन मध्य प्रदेश। अभी लेफ्ट में आप उसकी सारी बिल्डिंग देख रहे हैं। हॉस्पिटल देखिए उस तरफ चला गया, अब आपको मेडिकल कॉलेज का मेन एंट्री गेट नज़र आएगा। और देखिए अभी तक चल रहा है कि आगे जे के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया, एक और उन्हीं उस हॉस्पिटल का पार्ट है। तो अब थोड़ा सा साइज़ देख के, लेंथ देख के आपको आइडिया लग जाएगा, गाड़ियाँ देख के, ओवरऑल देख के। ये जैसा हमने कहा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है इस एरिया का। और कुछ अंदर की बातें कि वही जैसा आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप चलती है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के बच्चे प्रैक्टिकली फ्री में पढ़ते हैं। सरकारें पैसा देती हैं, जो कि 16 लाख रुपये, रोक लीजिए बेशक, 16 लाख रुपये पर ईयर फीस है। सिमिलरली NRI की फ़ीस हो जाती है 48 लाख रुपये पर ईयर, और वो अब नेगोशिएशन करके दी जाती हैं बाय ओनर्स। ऑफिशियली मध्य प्रदेश में गार्जियन NRI, फैमिली फ्रेंड NRI चलता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। और लेकिन ये भी समझना है कि राउंड वन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल के बच्चों का होता है, इवन इन सीटों के लिए। दैट मीन्स मध्य प्रदेश के अगर बहुत सारे बच्चे आ गए तो उन्हीं को सीट मिलेगी। ये चीज़ को जानना समझना ज़रूरी इसलिए है कि देखिए, जो ओनर्स बैठे हैं, लाला जी बैठे हैं, उनको तो पैसे से मतलब है ना। तो अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं, आप आएंगे राउंड टू में, और उससे पहले राउंड वन में अगर मध्य प्रदेश के बच्चे आके इनकी सीट भर जाएं और इनको इनकी मुँह मांगी रेट दे दें, फिर ये उन्हीं को सीट दे देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है जो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, एडमिशन सेल था ये मेडिकल कॉलेज का ही, और उसके ऊपर ही मेडिकल कॉलेज था। तो आप टोटल साइज़ देखिए बिल्डिंग का, बहुत शानदार है। अब यूटर लेके आपको दूसरी तरह से भी दिखा दूँगा थोड़ा दूर से, और ये कैसे चल रहा है। तो कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल कंपलसरी है, सेकंड ईयर से हम PG में बाहर रह सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है कि जिस बच्चे को हॉस्टल खाने में मन नहीं लग रहा, वो PG लेके अपने मन का खाना बाहर खा सकता है। ओके, इट्स अ लवली मॉर्निंग इन भोपाल। आज 14 जून, जैसा आप जानते हैं, भोपाल आया हुआ था कॉलेज से मिलने भी, और कुछ बच्चे जिनकी सीट्स कन्फर्म करानी है उसके लिए। तो ये है, आपको फिर से पूरा साइज़ नज़र आ रहा है। और अगेन आई ऑलवेज से कि मैं अंदर घूम के आया, क्लासरूम्स में AC है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, थोड़े से कंजूसी करते हैं इस मामले में, चौकसी साहब बनी है ना। तो लेकिन बच्चों को पूरी फैसिलिटी दी जाती है, हॉस्पिटल बहुत शानदार चलता है। आप फिर से देख रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी है, और फिर हम मेन हॉस्पिटल भी आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्लास का साइज़ अच्छा होता है, पीयर ग्रुप अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ 500 प्लस वाले बच्चे पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ फ्री एजुकेशन प्रैक्टिकली, जितने भी यहाँ के लोकल वो जो सीट्स में आते हैं। और जो NRI गार्जियन सीट दी जाती है उसका तो फिर लोग पेमेंट करके आते ही हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। लेट अस नाउ गो टू अनदर कॉलेज रामकृष्णा, जो इसी के पास है। बाय बाय।